हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम यखनी बिरयानी की आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं, यकीन मानो अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो हर कोई खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना, और दूसरा खाने में भाई क्या कहने, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनकर ये तैयार होने वाली है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ 650 ग्राम गोश्त लिया है, साथ में 2 तेज पत्ता, 1 बड़ा चम्मच हमने सौंफ डाली है, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने, थोड़े जायफल, जावित्री, दालचीनी, नमक डाल देना है, 1 मीडियम साइज की प्याज को छील के साबुत यूं ही डाल देना है, 1 बड़ी लहसुन की पूरा डाल देना है, और साथ में हमने 1 बड़ा चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच भर के साबुत सौंफ डालनी है, 1 ग्लास भर के पानी डालना है, और 3 से 4 बीसें लगा लीजिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद करना क्या, ये जो गोश्त हमारा है यखनी जब बनकर तैयार हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, तो ये पीसेस अलग निकाल लेने हैं मीट के, और पानी को हम बचा कर रखेंगे, आगे हम यूज़ में लेंगे, और जो लहसुन और प्याज डाला था वो भी निकाल लेना है हमें। अब हम यहाँ कुछ साबुत मसाले लेंगे, हमने 1.5 बड़ा चम्मच भर के कुकिंग ऑयल गर्म किया है, और सरसों के तेल में इसको हम बना रहे हैं। हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच भर के काली मिर्च ली है, 6-7 लौंग लिए, थोड़ा सा जायफल, जावित्री, दालचीनी, 4-5 हरी इलायची ले लीजिएगा, 2 से 3 बड़ी इलायची ले लेनी है, 3-4 तेज पत्ता लेना है, और 1 बड़ा चम्मच हमने जीरा लिया है। उसके बाद ये जैसे ही गरम मसाला चटक जाएगा तब हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की प्याज को काट कर डाल दिया है, और प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा तब हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हमने 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट डालना है, और उसका कच्चापन खत्म करना है। मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म कर लेंगे, और उसके बाद हमने जो के जो गोश्त के पीसेस अलग निकाल के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो जब हम गोश्त डालेंगे तब उसके साथ ही जो हमने लहसुन और प्याज निकाल कर रखा है, प्याज ऐसे ही डाल देना है, और लहसुन को भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको हम भून लेंगे तेल में करीब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, अच्छे से तल जाएगा गोश्त, तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अच्छे से हमें इसे तल लेना है, और यकीन मानो जो भी ये अखनी पुलाव या अखनी बिरयानी जो भी कह लो खाएगा, आप इस तरह से बनाएंगे हर कोई उंगलियां चाटेगा, बेहद तारीफ करेगा आपकी। सच में एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा, एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाए। हर रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो गोश्त है भुन गया है। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद में ही हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च, यानी जितना आपको तीखा पसंद है, हमने 5 से 6 हरी मिर्च ली है वो डाल दी है, क्योंकि हमें ज़्यादा तीखी बिरयानी बनानी है, और अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप यहाँ मिर्च कम कर सकते हैं। और यहाँ नमक डाल दिएगा आप अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक मिर्च दोनों आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे तब तक छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। या अगर आपको लगता है मीडियम फ्लेम पे आपका ये जो आपने बर्तन लिया जिसमें आप बिरयानी बना रहे हो उसका जो बॉटम है तली है वो हल्की है, टमाटर जल सकते हैं, अखनी जल सकती है जो गोश्त आपने डाला है, तो आप इसे लो फ्लेम पर छोड़ दिएगा। अब साथ में यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच भर के पिसा हुआ सौंफ और 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया का पाउडर इसमें डाल दिया है। बस सब कुछ इसे मिला लेना है और लो फ्लेम पे आप छोड़ दीजिए जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए कितने अच्छे से टमाटर गल गए हैं। अब बस सबको अच्छे से मिला लेना है और थोड़ा टाइम के लिए हमें और भूनना है। उसके बाद हमने ये जो यखनी का पानी यखनी का बचा कर रखा था वो छान के इसमें डाल देना है। जो भी मसाले हैं और सौंफ, धनिया है साबुत, वो सब छन के अलग हट जाएगा, और पानी सारा हम इसमें डाल देंगे। पानी में अगर आपको लगता है कि कम है तो आप बढ़ा भी दीजिए, और उसके बाद पानी जब हल्का गर्म हो जाएगा तब चावल डाल दीजिए। हमने यहाँ पे आप कोई से भी चावल ले सकते हो, और बाद में हमने यहाँ क्यूरा वाटर डाल देना है, और बस सबको अच्छे से मिला सबको अच्छे से मिलाना है। हाई फ्लेम पे इसको हम कवर करके छोड़ देंगे, और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तब हमें इसे दम पर लगा देना है। और दम पर आप जब इसको छोड़ो तो अपनी पसंद के कोई भी कलर्स में डाल दीजिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। और उसके बाद भाई गर्मा गर्म आपका ये पुलाओ बिरयानी बनकर तैयार हो गया। अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसको खाइए, रायते के साथ खाइए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।